हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट की में सबसे महत्वपूर्ण जो है फंक्शन की, तो ये हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन की। और साथ ही साथ एक बार जान लीजिए, जो शॉर्टकट की का पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ए टू जेड क्लासेज। यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइएगा। तो पूरा का पूरा जो शॉर्टकट की का जो महत्वपूर्ण है, पूरा सब कुछ पड़ जाएगा टेलीग्राम पे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, वहां से जा करके एक बार देख भी लीजिएगा। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे आज शॉर्टकट की में फंक्शन की क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन की, क्योंकि शॉर्टकट की अगर सिलेबस में है तो कुछ पूछे या ना पूछे लेकिन फंक्शन की पूछ लेता है। और फंक्शन की ऐसा की है जो अगर कंप्यूटर सिलेबस नहीं भी है तो अन्य जीके जीएस के भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और जानना बहुत ही जरूरी है। केवल इन फंक्शन की 12 जो होते हैं इनके बारे में अगर जान लिया जाए तो थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती है शॉर्टकट की के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है फंक्शन की। आइए चलते हैं, देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग की जानते हैं कि की कितने प्रकार का होता है। तो आप लोगों ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा कि कीबोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है। आज के जमाने में कीबोर्ड देखा ही होगा, कीबोर्ड इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है। इस प्रकार का कुछ यहां पे होता है, ये पूरा मैं एग्जैक्ट कीबोर्ड तो नहीं बना रहा हूं लेकिन ये यहां पे ठीक देखिएगा, ये यहां पे क्या होता है, ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें इस कीबोर्ड में कीज कितने प्रकार के होती हैं। तो इस कीबोर्ड में चार प्रकार के कीज होते हैं, ठीक है, चार प्रकार के कीज होते हैं। वो चारों प्रकार कौन कौन से हैं ये ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे जो F1, F2, F3, F4 इस यहां से लेकर F1 से लेकर के F12 तक रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन की, ठीक है। ये कितना होता है, फंक्शन की होता है 12। ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि फंक्शन की कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा फंक्शन की हमारा होता है 12। ये 12 होता है, ठीक है, ये 12 होता है। साथ ही साथ ये एक हो गया, एक प्रकार का की हो गया। कुल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अब इन सबको क्या कहते हैं, जो यहां से यहां तक के होते हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 6 से ये 10 तक होता है, और साथ ही साथ ABCD भी होता है, स्विफ्ट आल्ट स्पेस डिलीट बैक स्पेस, ये सारे कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। इस की को क्या कहते हैं हम लोग, तो इस की को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल की। इसको क्या कहते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिकल की इसको कहते हैं। यहां से ध्यान रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिकल की, ठीक है। ये दूसरा प्रकार हो गया। अब यहां से देखिएगा, एक तो ये होता है इतना सारा जिसमें 1 2 3 4 5 6 और की लॉक इसके साथ साथ ये सारे कुछ रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको केवल देखिएगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये 0 से लेकर के होता है और की लॉक का भी ये सिस्टम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूमरल या न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूमरल या न्यूमेरिकल कीज कहते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार हो गया। चौथा हमारा ये बच गया, इतना वाला सेक्शन जिसमें ऊपर नीचे आए दाएं बाएं ये करने के लिए होता है, साथ ही साथ डिलीट वगैरह का भी ये कीज होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कीज, ठीक है। ये चार प्रकार के हमारे कीबोर्ड में कीज होते हैं, ठीक। यहां से ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की जो ऊपर रहता है F1 से F12 तक, इसको क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल, जिसमें 1 2 3 4 भी रहता है और ABCD भी रहता है पूरा, साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं, तो स्पेशल कीज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, न्यूमरल या न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। ये कीबोर्ड में चार प्रकार के हमारे कीज पाए जाते हैं।
अब शॉर्टकट की में सबसे महत्वपूर्ण जो की होता है वो फंक्शन की होता है, साथ ही साथ कॉपी पेस्ट कट ये सारे भी होते हैं, लेकिन उसका मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फंक्शन की के बारे में, क्या क्या इसमें होता है, 12 के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां से ये हो गया कि 4 प्रकार के कीज होते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं फंक्शन की, फंक्शन की कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने बताया 12 प्रकार के होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उन 12 प्रकार में हम लोग देखेंगे कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग 12 प्रकार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। ये हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन की हो गया 12। अब हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। डायरेक्ट देखिए, हमारा काम आप लोगों को ज्ञानी बनाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एग्जाम में उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर लें, सिर्फ इस क्लास का यही एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, फंक्शन की आइए देखते हैं F1 का क्या मतलब होता है। F1 का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन देता है कि फंक्शन की F1 का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है हेल्प, मदद के लिए यह की होता है। इसको हम दबाते हैं किसी प्रकार की मदद के लिए। ठीक है, मदद इससे मिलता है किसी भी प्रकार का कंप्यूटर में। ठीक, तो F1 किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है। वहीं अगर हम F2 की बात करते हैं कि F2 में यह किसके लिए होता है, F2 किसके लिए होता है, तो यह रीनेम के लिए होता है, रीनेम के लिए होता है। ठीक है, दोबारा नाम, यानी किसी भी चीज का नाम हमको चेंज करना है तो F2 को दबा करके उसका दोबारा नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं, रीनेम इसका मतलब होता है, दोबारा नाम हम लोग उसका बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ये F2 का मतलब हो गया। वहीं F3 का क्या मतलब होता है, तो F3 होता है सर्च के लिए, सर्चिंग का ये काम करता है, कोई भी चीज हमको ढूंढना है तो यह F3 से हम लोग आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग का काम यह करता है। ठीक, ढूंढने का यह काम F3 करता है। अब कुछ लोग ट्रिक इसका बनाने लगते हैं कि F1 F2, 1 है तो गन, 2 है तो सू, 3 है तो ये कुछ और, तो ऐसे एक ट्रिक बनाने लगते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को याद करने के लिए जब ट्रिक से हम लोग याद करेंगे तो पहले तो हमको वो ट्रिक याद करना पड़ेगा, दो बार हमको याद करना पड़ेगा कि किसका मतलब क्या था। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं पे क्यों ना हम लोग समझ लें, कॉन्सेप्ट के साथ समझ लें ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बस ध्यान से देखते रहिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। F4 का क्या मतलब होता है, F4 का क्या मतलब होता है, इसको Alt-4 के साथ दबाते हैं और यह किसी भी प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम ओपन रहता है उसको, किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने का काम कौन करता है, तो F4 करता है। इसको Alt के साथ हम लोग दबाते हैं F4, तो किसी प्रोग्राम को क्लोज करने का काम यह करता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने का काम करता है, साथ ही साथ यह क्या करता है, सिस्टम को शटडाउन भी करता है, सिस्टम को क्या कर देता है, शटडाउन भी कर देता है, कौन सा, F4। ठीक है, तो यहां से यह देखिएगा। अब यह F5 का क्या मतलब होता है, हम लोग F5 की बात करें तो यह किसके लिए होता है, तो यह रिफ्रेश करने के लिए होता है, किस लिए होता है, तो यह रिफ्रेश करने के लिए होता है। कोई भी अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है तो कुछ भी जाने या ना जाने, लेकिन F5 का मतलब तो जानता ही है क्योंकि वो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो F5 का क्या मतलब होता है, रिफ्रेश करने के काम में आता है। वहीं अगर हम F6 की बात करते हैं कि F6 का क्या मतलब होता है, तो इसका 2-3 मतलब होता है। सबसे पहली बात, ये वैल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज करता है। ठीक है, वैल्यूम को डिक्रीज या करता है या इंक्रीज करता है, साथ ही साथ यह किसी एड्रेस बार को, जो एड्रेस बार खुला हुआ है उस एड्रेस बार को हाईलाइट करने का यह काम करता है। ठीक है, हाईलाइट करने का काम करता है, हाईलाइट एड्रेस बार, एड्रेस बार, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
मीनू बार को यह भी दिखाता है, यह मीनू बार को भी दिखाता है, इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा, मेनू बार को भी, मेनू बार को दिखाना F6 का मतलब होता है। अब आइए F7 के बारे में जानते हैं कि F7 का क्या काम होता है। तो कोई भी अगर हमको स्पेलिंग चेक करना है, मान लीजिए कि कोई स्पेलिंग लिख लिया और हमको उसका स्पेलिंग कंफर्म नहीं है, तो उस स्पेलिंग चेक करने के लिए, सेलेक्ट करके चेक करने के लिए F7 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो F7 का हम लोग यूज करते हैं। वहीं अगर हम F8 की बात करते हैं कि F8 किसका काम होता है, तो इस 8 को ऐसे बना दीजिए, यह भी 8 है और इसी के आगे लिख लीजिए री, ये क्या हो गया, ये रिबूट हो गया, ठीक है। तो यह किसके लिए होता है, तो यह रिबूट के काम के लिए होता है, रिबूट ये इसका मतलब होता है, ठीक है, सिस्टम को क्या करना होता है, रिबूट करना होता है, तो F8 से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग F9 का यूज देखते हैं कि F9 किसके लिए होता है, ये सेलेक्ट आइटम को रिमूव करने का काम करता है F9, किसी भी आइटम को रिमूव करना है तो उसको सेलेक्ट करके F9 दबा दिया जाता है, तो वो क्या करता है, रिमूव कर देता है, सेलेक्ट आइटम को, सेलेक्ट आइटम को, सेलेक्ट आइटम को रिमूव करने का, रिमूव करने का काम करता है, कौन करता है, तो F9 करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करता है, ब्राइटनेस क्रम कम या ज्यादा करता है, ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस को कम या, कम या ज्यादा करता है, ठीक है, F9। वहीं अगर हम F10 की बात करते हैं कि F10 क्या होता है, तो इसको F10 को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, शिफ्ट के साथ F10 दबाते हैं, F10 दबाते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये मेनू बार को ओपन करके देता है, ठीक है, F10 मेनू बार जो होता है साइड में कोने पे रहता है मेनू बार, उसको ओपन कर देता है, डायरेक्ट मेनू बार को ओपन करके देता है, ठीक है, यहां से इसको ध्यान रखिएगा, F10 का क्या काम होता है, मेनू बार को ओपन करके देता है। साथ ही साथ यह माउस के लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, दो क्लिक होता है, तो माउस के ये राइट क्लिक का काम करता है, माउस के राइट क्लिक, राइट क्लिक का काम करता है, यहां से इसको ध्यान रखिएगा। F11 का क्या काम होता है, तो स्क्रीन को जूम आउट या जूम इन करने के लिए F11 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन को, स्क्रीन को जूम आउट या जूम इन करने के लिए, स्क्रीन को जूम, जूम आउट या, जूम आउट या जूम इन करने के लिए, ठीक है, किसका यूज हम लोग करते हैं, तो F11 का हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ F12 की बात करते हैं कि F12 का क्या काम होता है, तो सेव एज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, F12 का यूज करते हैं, ठीक, सेव एज के लिए, किसी भी फाइल को हम लोग सेव करना है या फिर कहीं और सेव है, कहीं और करना है, तो सेव एज के लिए हम लोग F12 को दबा देते हैं, तो वो डायरेक्ट सेव हो जाता है, ठीक है। ये तो रहा फंक्शन की हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शॉर्टकट की में, ठीक है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ और ऐसे शॉर्टकट की हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, जो कि मैं इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसको यहां पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाइए, जुड़ जाइए और देखिएगा, कई चैनल बना होगा A to Z Classes के नाम से, लेकिन जो लोगो दिख रहा होगा A to Z Classes का, A to Z Classes नंबर 1 NO और 1 करिएगा तो डायरेक्ट वही चैनल आएगा, अगर आप सर्च करके जुड़ते हैं तो, नहीं तो यहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे फेक चैनल भी बने होंगे, उस पर मत जुड़िएगा, क्योंकि PDF आप लोगों को अगर पाना है तो सही जगह सही चैनल पे जुड़िएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को क्या होगा, निश्चित रूप से वो PDF मिल जाएगा, ठीक। और भी कई सारे जो शॉर्टकट की होते हैं ये सारे बताए जाएंगे, जैसे कि Ctrl+C दबा देंगे तो कॉपी हो जाएगा, उसी के साथ Ctrl+X दबा देंगे तो कट हो जाता है, और एक बात, जो कट या कॉपी करने के बाद जो डाटा होता है तो वो कहां पे सेव होता है, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, डाटा क्लिप बोर्ड में सेव होता है, क्लिप बोर्ड, CLIP,
और BOARD बोर्ड में, क्लिप बोर्ड में वो सेव होता है, क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, पूछा हुआ है, तो यहां से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ रोज ऐसे क्लास आती रहेंगी, आप लोग जुड़िए, देखते रहिएगा, महत्वपूर्ण क्लासेज, और भी इसका सब सारा कुछ आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।